देखिए सुनिए, ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर इसके जैसे 20 बार क्वेश्चन ना एसएससी कैट रेलवे हर जगह आ चुके हैं, तो इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें थीटा निकालने को बोला है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा, अगर जो ये लोग पहली बार देख रहे हैं क्वेश्चन वो अटकेंगे, इसमें काफी कुछ सोचना पड़ेगा नया, वो नया क्या चीज है जो सोचनी पड़ेगी। देखो बताता हूँ, पहले बेसिक बात बताता हूँ। बेसिक बात ये है क्या कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल क्या है, इस वाले ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है। किसी भी ट्राइंगल का अगर मैं बोलूँ ना बाहर वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होता है, इन दोनों के सम के बराबर, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल इन दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। अब ये तो 90 है, अब मुझे ये वाला एंगल और चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, शुरू करते हैं। स्क्वायर की साइड है एल, एल ठीक है, स्क्वायर की साइड एल। अब स्क्वायर की साइड पर ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो ये भी क्या हो गया एल, ये भी क्या हो गया एल, ये तीन साइडें मेरे पास क्या आ गई, एल एल, तीन क्या छह साइडें हो गई टोटल, सबकी सब लेंथ एल है। अब रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, रूल ये कहता है कभी भी आपके पास अगर कोई ट्राइंगल हो जिसकी दो साइडें बराबर हो, मान लो इसकी भी लेंथ एल, इसकी भी लेंथ एल, ठीक है। तो जो ये दो एंगल होते हैं ना, मतलब जो इस वाली साइड के सामने वाला एंगल है थीटा, और जो इस वाली साइड के सामने वाला एंगल है ये भी थीटा, तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर होते हैं। अब क्या है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो मेरे क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर हो जाएंगे, मतलब ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है। दूसरी बात, ये 90 डिग्री है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है, तो ये 60 डिग्री हो गया। ये आइसोस्कलिस ट्राइंगल जिसकी ये दो बराबर साइड है, दो बराबर साइड है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए थीटा। तो अब ये है 90 और 60, 150, तो ट्राइंगल के तीन एंगलों का सम 180 होता है, 180 में से 150 चला जाए तो इन दोनों का सम होगा 30, तो ये दोनों 15 15 हो गए, तो मेरा ये वाला एंगल हो गया 15 डिग्री, ये वाला एंगल भी 15 डिग्री। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा है 90 प्लस 15 डिग्री, जैसा कि मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ, 105 डिग्री। अब धड़ी लगाऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन होगी, समझ आ रहा है स्टूडेंट सभी को, बिल्कुल समझ आ रहा होगा, आराम से कॉपी कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ।